वायनाड के इन खूबसूरत टी गार्डन्स के एक बड़े हिस्से को लैंडस्लाइड ने अपनी चपेट में ले लिया। उसकी तबाही और बर्बादी के जो निशान हैं वो अभी भी हर तरफ नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी त्रासदी से वायनाड के लोग जूझ रहे हैं। अभी भी 300 से ज़्यादा लोग लापता हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उन्हें उनके ज़िंदा होने के आसार भी कम लगने लगे हैं। ऐसे में अब इस 10 से 15 फीट मलबे के नीचे से शवों को निकालने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर उस मलबे के ऊपर पड़े हुए हैं, इसीलिए जो रेस्क्यू में टीमें लगी हुई हैं उनको भी एक ज़बरदस्त चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बिना थके बिना रुके एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ज़मीन के नीचे इन शवों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी के और तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स के खोजी कुत्तों को यहाँ पर बुलाया गया है। जो स्निफर डॉग्स हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। उनके पास ये खासियत होती है कि वो ज़मीन के नीचे अगर कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसका पता लगा सकते हैं। इन सब बुरी खबरों के बीच में एक और ऐसी खबर जो वाकई में सबको प्रेरणा देती है, जो केरला फॉरेस्ट के जवान हैं उन्होंने इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मुंडक्कई से ऊपर अट्टमला है, पारमला है, पंजरीवट्टम है, इन इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं वहाँ से 6 आदिवासियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। इन 6 आदिवासियों में से 4 जो हैं वो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से 4 साल के बीच है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन था क्योंकि यहाँ से जो ऊपर के जाने वाले रास्ते हैं, पहाड़ों के रास्ते हैं, वो इस तबाही की वजह से कट चुके हैं। केरला फॉरेस्ट की टीम जब वहाँ पर जिंदा लोगों की तलाश में पहुँची तब वहाँ पर देखा कि जो अट्टमला जगह है वहाँ पर एक महिला और उनका 1 साल का बच्चा वहाँ पर बहुत ही डिस्ट्रेस हालत में थे। 3 दिन से उन्हें खाना नहीं मिला, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पेल हो चुके थे। उसके बाद चूँकि आदिवासियों की आदत होती है कि वो नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ वो मिंगल नहीं होते हैं, उनसे वो डरते हैं, इसीलिए जो केरला फॉरेस्ट की एक टीम वहाँ पर पहुँची उन्होंने पहले उस महिला को कॉन्फिडेंस में लिया, उन्हें कुछ खाना खाने के लिए दिया, जिसके बाद उन्हें जब भरोसा होने लगा तो एक जवान ने उस 1 साल के मासूम बच्चे को अपने सीने से लगाकर बांध लिया, जिसके बाद उस महिला को लगा कि वाकई में ये लोग हमारा नुकसान करने नहीं बल्कि हमें बचाने आए हैं। उसके बाद महिला ने एक और दर्दनाक कहानी बयां कर दी। महिला ने बताया कि उससे ऊपर कुछ दूरी पर जो पारामला जगह है वहाँ पर उसके 4 और बच्चे और पति भी फंसे हुए हैं। ये एक और बड़ा चैलेंजिंग टास्क उस केरला फॉरेस्ट की टीम के लिए था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से वो और ऊपर चढ़ने लगे और उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर इस महिला के पति और 4 छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर बताया जा रहा है कि किचन में कोने में दुबके हुए थे ताकि किसी भी तरह का नुकसान उन्हें ना हो। हालांकि जिस जगह पर वो थे वहाँ पर इस लैंडस्लाइड का उतना व्यापक असर नहीं था, इसलिए उनका जो कच्चा मकान था वो बचा हुआ था। किचन के एक हिस्से में दुबके बच्चों को केरला फॉरेस्ट के जवानों ने वहाँ से रेस्क्यू किया और वहाँ से ट्रैक करते हुए इन्हीं रास्तों से उन्हें रिलीफ कैंप में लाकर छोड़ा। ये जो कहानी यहाँ पर सामने आई है कि त्रासदी के इतने घंटों के बाद भी 4 बच्चों की जिंदगियों को और 2 एडल्ट यानी 6 जिंदगियों को यहाँ पर सफलतापूर्वक बचाने में केरला फॉरेस्ट के जवानों को कामयाबी मिली है, ये वाकई में बहुत प्रेरणा देने वाली है। क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें यहाँ पर आ रही है, क्योंकि अगर जहाँ पर भी हम देखते हैं इस सैलाब का जो ये मलबा है वो हर घंटे यहाँ पर शव उगल रहा है, हर जगह पर यहाँ पर एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, लोगों के लगातार अफरा तफरी में भागने दौड़ने की आवाज़ आ रही है, स्ट्रेचर लेके लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं ताकि उन शवों को उस मलबे से निकाला जा सके। ऐसे में जब ये खबर आती है कि कुछ लोगों को यहाँ से जीवित भी बचाया गया तो वाकई में बहुत सुकून देती है, प्रेरणा देती है। और जो काम यहाँ पर जो एजेंसीज़ के लोग कर रहे हैं, चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, इंडियन आर्मी के तीनों अंग हों, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, जो समाज सेवी संगठन है, वो इस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में इन लोगों की मदद कर रहे हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। क्योंकि यहाँ पर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक जगह पर पहुँचना ही अपने आप में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, हर जगह बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर कटे हुए पड़े हैं। ऐसे ही इस संकट के माहौल में, विषम परिस्थितियों में एक बैली ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम कैमरामैन किरण को कहूँगा कि उसको दिखाएंगे,
इस बेली ब्रिज के बनाने के का फ़ायदा ये हुआ है कि जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, जो बड़े बड़े JCBs हैं, क्रेन्स हैं, हिटाचीज हैं, वो सब यहाँ से जो है बड़ी आसानी से मुंडक्कई, अट्टमला, पारामला, पंजरीवट्टम, ये सब जगह जो है वो अब जा पा रही हैं। यहाँ से एम्बुलेंसेस देखिए आप किस तरह से ब्रिज में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से अब बड़ी आसानी से इसको पार कर कर मुंडक्कई की तरफ जो बिल्कुल कट ऑफ था वहाँ तक इनको पहुँचाया जा पा रहा है। इस वजह से अब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में है जो थोड़ी तेज़ी भी आ गई, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए 10 से 15 फीट जो है तक अगर मलबा पड़ा हो और उसके ऊपर ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों के पड़े हों, तो वहाँ से आप उसको फिजिकली कितना वक्त उसको आपको लगेगा वहाँ से निकालने में, इसका अंदाज़ा बस लगाया जा सकता है। ऐसे में ऐसी बड़ी बड़ी मशीनरों की मदद से यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन को अब चलाया जा रहा है। 40 किलोमीटर का यह पूरा स्ट्रेच है जहाँ से मुत्तप्पनपुरा, जहाँ से ये लैंड स्लाइड की शुरुआत हुई थी, और वहाँ से लेकर चालियार रिवर तक ये नदी जो है यहाँ से वो पहुँचती है मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में। इस पूरे 40 किलोमीटर के रेडियस में आप सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, नदी के दोनों किनारों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि ऊपर से जो शव बहकर आए थे क्या वो इन मलबों में कहीं दबे हुए हैं, इस बात की भी अब यहाँ पर खोजबीन की जा रही है। इसके अलावा थर्मल जो स्कैनिंग सिस्टम है, स्निफर डॉग्स हैं, उनकी मदद ली जा रही है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन है, बहुत बड़ा रेस्क्यू यहाँ पर पहले किया गया है। अब इस मलबे के अंदर से शवों को ढूंढने की कोशिश में तमाम एजेंसियाँ जुट गई हैं। कैमरामैन किरण के साथ सी राघवन, इंडिया TV, चूरलमला, वायलाड।